तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, बेसिकली ये कहता है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस हाइट अबव द अर्थ विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो चलो मान लो ये अर्थ है और इस अर्थ से, ठीक है ना, इस अर्थ से ये जो है वो अर्थ का सरफेस है। तो इस अर्थ के सरफेस ऊपर मैं एक बॉडी को फेंका और ये जो हाइट है, ये हाइट दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स आर। तो ये हाइट इक्वल टू 9 टाइम्स आर, ये वाला, तो ये तो 9 टाइम्स आर के इक्वल है और यहाँ पर जी की वैल्यू जी है और यहाँ से एक रेडियस आर है, ठीक है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट हाइट, यहाँ पर वेट कितना होगा? तो यहाँ पर वेट डब्लू डैश होगा और अगर अर्थ के सरफेस पे यहाँ वेट डब्लू है। तो सबसे पहले एट सरफेस अगर बात करोगे सरफेस पे, तो सरफेस पे वेट मैं कैसे लिखूंगा? तो सरफेस पे मैं वेट लिखूंगा एम जी के इक्वल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर मैं एच हाइट ऊपर जाता हूँ तो अब मैं वेट कितना लिखूंगा भाई? तो अब मेरे भाई, अब मैं वेट लिखूंगा एट हाइट, कुछ हाइट पर जब मैं जाऊँगा तो उस हाइट पर जो वेट की वैल्यू मैं डब्लू लिखूंगा वो आ जाएगा एम जी डैश इक्वेशन नंबर टू। अब कुछ नहीं करना है, जी डैश की वैल्यू निकाल के हमें रख देना है। तो जी डैश की वैल्यू जब अच्छी खासी हाइट होती है तो वो होती है जी आर और आर प्लस एच का होल का स्क्वायर यहाँ से। तो ये आ जाएगा जी और देखोगे आर और यहाँ से देखोगे आर प्लस 9 आर, ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे तो जी आर इज इक्वल टू ये 10 आर और इसका स्क्वायर। तो ये आर ख़त्म हो गया, मतलब जी अपॉन यहाँ से 100, ठीक है। तो ये जो जी डैश की वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। तो अगर जी डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो नया वेट डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वो एम जी डैश के इक्वल है, मतलब एम जी अपॉन 100। और एम जी इज इक्वल टू एक्चुअल पुराना वेट है तो 100, तो नया वेट डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो डब्ल्यू अपॉन 100। दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज़ अगर तुम यहाँ से देखोगे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों का यहाँ से डब्ल्यू अपन, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता, बाकी गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।